नमस्कार, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं दोस्तों? आई होप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या दुनिया में किसी का काम करना क्या गुलामी है? पैसा दोगे तो काम होएगा, नहीं दोगे तो नहीं काम होएगा। चाहे चले जाओ सरकार के पास जाओ, चाहे जहां मर्जी जाओ, सबके पास यही है। सरकार भी यही कहती है, काम है, हुआ है पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक जगह है, मैंने एक काम करके आया था, मकान का काम बाकी है, छोड़ा नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने काम उसका छोड़ दिया है, बट इधर उधर धमकी दे रहा है, बहुत गलत कर रहा है। क्योंकि अभी तक उसने चमारों का देखा होगा कि चमार लोग हैं, चाहे हरजन लोग हैं, वो भी इंसान है, लेकिन वैसा हम नहीं करते हैं कि किसी को बदनाम करें। बस इतना है, तुम अगर राजपूत में हो तो राजपूत ही बने रहो, दूसरा बनने की कोशिश ना करो, ठीक है? हमारा कहने का मतलब यही है, जाति सब एक बराबर का होता है, तुम दूसरे को दूसरा समझो तो हम भी कुछ कम नहीं है, ठीक? बस हम ये है कि हम काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, समझ लो, तो हम नहीं सोचते हैं कि किसी से हमारी लड़ाई हो, झगड़ा हो, हम इसीलिए सब्र करते हैं। तो इतना मस्त किसी के सब्र का इम्तिहान लो कि एक दिन तुम्हारा ही पूरा सत्यानाश हो जाए, घर द्वार दुनियादारी, ठीक है? हम धमकी नहीं देते हैं, ना हम कुछ बोलते हैं, ना हम छोटा इंसान है, भगवान का माफ़ करे जो हम कुछ बड़ी बातें करें तो, ठीक, बड़ी बातें नहीं करते हैं। बट आप लोगों से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर अपने मर्जी का करवाना चाह रहे हो तो कर सकते हो, पर किसी को गलत बोलना, चोर बनाना, ये गलत बात बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सब लोगों का ही नहीं है, मैं फोटो भी इसमें डाल, वीडियो में डाल के दूंगा कि ये कौन कौन से लोग हैं, आप लोग पहचानिए, आप लोग देखिए कैसे हैं, ठीक है? क्योंकि कौन सा ऐसा आदमी नहीं है कि काम चालू करने के बाद से गाँव का एक भी इंसान हो जो इन लोगों को बोला हो कि इनके बारे में कि ये सही है। फिर भी हम डरे नहीं, हम काम किए और काम करेंगे, क्योंकि हमारा यही पेशा है, ठीक है? बस इतना है कि आप लोग अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझिए, अगर होशियार समझना है तो जो करना है कर सकते हो। हमने न चोरी किया, हम किसी के बाप से डरते नहीं हैं, ठीक है? बस इतना है कि हम अगर प्यार से काम, प्यार से रहना जानते हैं, प्यार से हमारा कोई गला भी काट दे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होता है, जहर भी पीने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर हमें धमकी दे के और इधर उधर लोगों को डरा के, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ना हम डरने वाले हैं, ना हम कुछ करने, बस इतना है कि हम नहीं उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शराफत का तुम लोग नाजायज फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। तुमने हमें काम दिया है तो काम में तुमने हमें को खरीद नहीं लिया है, पैसे दोगे तो काम होएगा, और नहीं पैसे दोगे तो जो मर्जी कर सकते हो। बार बार ये बोलते हो कि हम दूसरे को ले आएंगे, दूसरे को ले आएंगे, गलत बहुत करते हो, तो ले आओ दूसरे को, हम कौन, किसने मना किया है, ला के देखो। हमने तो तुम्हारे नहीं है, राजस्थानी किया, उसका तुमने क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं उखाड़ लिया ना, फिर भी हम डरे नहीं, हम बोले कि चलो हम काम करके देंगे पूरा। बस काम कर रहे हैं तो काम में उंगली ना करो ना, काम अगर हम करके दे रहे हैं तुम्हारा तो उंगली ना करो, अगर उंगली कर रहे हो तो उंगली के जैसा पैसा दो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुमने उतने जितना दिया है उसमें भी अगर कम कर रहे हो, तो कम करने का मतलब नहीं है कि तुम हमें खरीद लिए हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? हमें खरीदे नहीं हो, अगर काम बढ़ेगा तो मैं पैसा लूंगा, नहीं पैसा देना है तो जिससे मर्जी करवा सकते हो। अभी भी मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारा काम लेने के बाद से तो तब माहौल अलग था, तुमने बताना चाहिए था कि हमें ये चीज़ काम करवाना है, ऐसा डिजाइन करवाना है, तो हमारा जमता तो हम करते, नहीं जमता नहीं करते। बट ये पहले तो तुम बोलने लगे, हाँ जैसा है वैसा ही करना है, अब जैसा है वैसा करने के लिए तो अब इधर डिजाइन बनाओ, डिजाइन का अलग पैसा लगता है, एक एक सीढ़ी का 2-2 हज़ार रुपया लगता है लगाने का, अब फिर भी तुम्हें समझ में आ रहा है सब फ्री में हो जाए तो तुम्हारा काम बहुत है, ताजमहल है, करवा सकते हो, और मैं चैलेंज देता हूँ कि आप करवा लो, ऐसा नहीं है, आप करवा सकते हो। मैं किसी को कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, बट यह है कि किसी के बारे में किसी से अगर
हमारे किसी भी आदमी को डराओ धमकाओ चाहे कुछ है, तो हम डरने धमकने वाले नहीं हैं। और ये मत समझना कि हम डरते नहीं हैं, तुम्हारी सुंदरी में दो बार आके आया हूँ, ठीक है, और जो तुम्हारा दुश्मन है उसी के यहाँ जाके आया हूँ, बस इतना मत समझो कि हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे हर पल की नज़र रहती है, ठीक है, बस इतना है। हम कुछ बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमें चाहे हमारे इंसान वर्कर को चाहे हमारे साथीदार को पार्टनर को तुम लोग गलत बोलो, वो तो बेचारा काम तुम्हारे यहाँ ऐसे उसको कर रहे थे कि लग रहा उसने बेचारे ने काम करने के लिए मना कर दिया कि मैं इनके यहाँ नहीं करूँगा, फिर भी मैं दूसरे के पास गया मना मना के मिलाया, चलो मान जा बेटा हैं बाबू ही अगर के मना के लाया, तो हम पागल हैं क्या हैं? जब हमारे रोजी रोटी उसी के भरोसे है तो हम लड़ाई क्यों करेंगे, छोड़ेंगे क्यों? पैसा तुम टाइम से दो, अगर पैसा मांग रहा हूँ तो पैसा टाइम से दो हैं, ऐसा नहीं है कि जब तुम्हारे यहाँ काम करेंगे तो तुम टोरम खाम बन गए हो कि हम नवाब बन गए हो, तो नवाब ही नहीं चलता है, वो जमाना चला गया नवाबों वाला, आजकल एक चीटी भारी पड़ती है हाथी पे, तो ऐसा मत सोचो तुम्हारे पास कितना पैसा है रुपया है ये सब यहीं के यहीं धरा रह जाएगा, साथ में नहीं लेके जाओगे, ठीक। और किसी का अगर हिम्मत है तो किसी और से करके देख लो, सॉरी बाद में हिम्मत वाली घमंड वाली बात हो गई, नहीं बोलना चाहिए हमें, बट इतना समझो कि लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना है, ताकि हम लोग कभी भी कहीं भी मिलें तो किसी से ये तो हो तुम हम नज़र मिला सके, हमने चोरी नहीं की, हम कभी भी नज़र मिला सकते हैं, तुम लोग नज़र मिलाने लायक रखो, ठीक। ऐसा नहीं है कि तुमने किसी को दूध दे दिया तो बोल दियो कि तुम चाय हमारे पीते हो, क्या बात करोगे, तुम्हारे यहाँ रह के फिर भी हमने तुम्हारा बहुत कुछ ही किया, बट इतना है कि ऐसे बोलने पे मत लगाओ कि बहुत तुम्हारा कुछ हो जाए। और हम ऐसा नहीं है कि तुम्हारी एक हर नस जानते हैं कि कहाँ से क्या तुम्हारा क्या हो सकता है, ये मत भूलियो कि हम, सॉरी घमंड वाली बात नहीं है, लेकिन बस इतना है कि सब चीज़ जानता हूँ तुम्हारा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बस ये है कि ऐसा ना करो कि कल को मैं पूरा तुम्हारे अंदर तुम्हारी पूरी वीडियो ही बना के नेट पे डाल दूँ, ठीक है, और हर चीज़ फ़ोटो के साथ डालूंगा, घर के एक बच्चे तक का फ़ोटो है, उसके बाद तो वो तो होएगा जो होएगा तुम्हारी, बट उसके बावजूद क्योंकि हर चीज़ की जो जो बातें हुई है हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं है, जो हर एक बात की रिकॉर्डिंग है, बट यही कि हम सुनाना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते, वीडियो बड़ी हो जाएगी। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ कि क्या सही है, आज के लोग आज के दिनों में कोई किसी का गुलाम है क्या? कुछ लोग हैं जो टूटपुंजिया लोग जो किसी को गुलाम समझते हैं, अभी तक ऐसा नहीं है कि वो जमाना चला गया, आजकल बिना पैसे के कुछ होता नहीं है, ठीक। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद।